वेलकम टू वर्नन लर्निंग ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के एक टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस। हमें पता है प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक पूरा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। हम आज ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही बेसिक स्टेप की बात करेंगे। लाइक वी नो दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, इट मीन्स कि वो जो लाइट है, लाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ओके, तो ये भी क्या करते हैं, ये लाइट को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। तो हम यहाँ पे जो आज के डिस्कशन में अपना सीधा उसके फूड की तरफ ना मूव करके, जब ये जो लाइट को यूटिलाइज़ करके अपना उसका प्रोडक्ट बनता है, हम उसकी बात करेंगे। इट मीन्स कैसे वो जो लाइट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उनके ऊपर पड़ती है, और उसके बाद फर्दर जो रिएक्शन के स्टेप्स होते हैं, जो बेसिक पार्ट है। ठीक है, इसको समझ। हाँ देखिए, आप सबको आई नो कि बेसिकली ये बहुत ही आराम से पता होगा कि कैसे जो फोटोन है, लाइट फोटोन है, मतलब लाइट है उसका एक फोटोन, जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती है वो लाइट आती है, लाइक है ना, सन रेज से वो लाइट आती है, तो क्या होता है, उस लाइट को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, फिर देन है ना फॉस्फोरिसेंस एंड फ्लोरोसेंस का प्रोसेस होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये लाइट, वाटर एंड है ना जो एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंच जाती है, और इससे क्या है, रॉ प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल है उससे फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे होता है, बट अभी हमें क्या है, इसका जो बेसिक रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की, हमें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्यों, इस बार हमारे CSIR 2019 जून के एग्ज़ाम में हमसे ये ट्रिपलेट एंड सिंगलेट स्टेट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, एक क्वेश्चन था, सी सेक्शन में आया था, उसमें ऑप्शंस दिए थे, तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये जो बेसिक इसके पीछे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो भी पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली ये रिएक्शन का नाम क्या है और ये कैसे होती है। तो चलिए इसी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसेंसिटाइजेशन। ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है ये किसके अंडर आ रही है, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, फोटोसेंसिटाइजेशन। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, फोटो इट मींस फोटोन, एक लाइट की बात हो रही है, लाइट के एक फोटोन की, फोटोन सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन मींस लाइक अगर आप किसी, कोई भी आपका सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, आप उसको लाइट से सेंसिटाइज कर रहे हो, इट मींस कि आप उसको थोड़ा रिएक्टिव फॉर्म में ला रहे हो। तो ये जो फोटो सेंसिटाइजेशन है ये हमें समझ आ रहा है क्या है, ये है रिएक्शन टू लाइट, इट मींस लाइट की वजह से रिएक्शन हो रही है, और ये क्या होता है, मेडिएटेड बाय लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। ये किसके थ्रू होती है, मेडिएटेड मींस किसके थ्रू होती है, थ्रू द लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। बट यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली है, जो ये लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है वो अल्टीमेटली क्या है, टारगेट नहीं है, अल्टीमेटली क्या है, वो टारगेट नहीं है। इट मींस कि जैसे एक होता है ना सबस्ट्रेट, उससे प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो अलग होगा, प्लस लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल क्या होगा, वो अलग होगा। तो ये जो है, जो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, हमारा फोटोसेंसिटाइजर, और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाएगा, फोटोसेंसिटाइजेशन। और ये जो देखिए यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब फोटोन इज फोटोसेंसिटाइजर। फॉर एग्जांपल, ये जो फोटोसेंसिटाइजर होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है एंडोजिनस, एंडो मींस जो ऑलरेडी लिविंग सेल्स के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, एक होता है एक्सोजिनस होते हैं, ओके, जो कि आप एक्सटर्नली सप्लाई करते हो। एंडोजिनस में एग्जाम्पल आ गया हमारा पोरफायरिन, ओके, बिलीरुबिन एंड क्लोरोफिल। हमें पता है ये जो क्लोरोफिल का पार्ट है वो क्या होता है, उसको जो ना हेड रीजन होता है वहाँ पे एक टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है हमारा पोरफायरिन, और जो क्लोरोफिल होता है उसकी जो टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वो जब हम क्लोरोफिल का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, अभी एक्चुअली आज मेरा फोकस किस पे है, फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोसेस पे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ऑलरेडी हम किसका नाम ले चुके हैं यहाँ पे, क्लोरोफिल एंड पोरफायरिन रिंग्स की, ओके, तो इट मीन्स कि मैं किस तरफ मूव करूँगी, ऑब्वियसली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तरफ मूव करूँगी। यहाँ पे क्या होता है, जब ये फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर चेंज हो जाता है या उनकी स्पिन की पोजिशन चेंज होती है, ओके। अब ये तो हमने बात कर ली एंडोजिनस फोटोसेंसिटाइजर, ओके, अब मैं बात बताती हूँ आपको एक्सोजिनस फोटोसेंसिटाइजर। इट मींस आप एक्सटर्नली है, ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो फोटोसेंसिटाइजर है, ये एक्सटर्नली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, कई बार हम रिएक्शंस करते हैं, जैसे हमारी माइक्रोस्कोपी होता है उसमें हम डाइस को प्रोवाइड कराते हैं, डाई को ऑलरेडी क्या है, फिर उसकी वजह से लाइट एमिट होती है, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एक्सटर्नल
एक्सटर्नल और है ना एक्सोजिनस फोटोसेंसिटाइजर। अब ये बात होगी फोटोसेंसिटाइजर की, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं इसमें रिएक्शंस, इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होते हैं फोटोसेंसिटाइजर की। कैसे देखिए, एक रिएक्शन है यहाँ पे एक्साइटेड सेंसिटाइजर, सेंसिटाइजर वही है, ये क्या है लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल ने क्या किया लाइट एब्जॉर्ब करके वो क्या हो गया सेंसिटाइजर हो गया है। ओके, ये क्या हो गया हमारा सेंसिटाइजर। अब यहाँ से हमें पता है हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो एक तो हो गया एक्साइट या ये हमारा सेंसिटाइजर हो गया लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। दूसरा हमारा क्या है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या हुआ वो हुआ फाइनल टारगेट, मतलब जिस पे ये काम होना है, तो ये हमारा हुआ टारगेट। यहाँ पे क्या है टाइप वन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इट मीन्स सेंसिटाइजर से सबस्ट्रेट की तरफ और सबस्ट्रेट से सेंसिटाइजर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। और अल्टीमेटली यहाँ के पे क्या बनता है, हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तो क्या होता है एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है दूसरा रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीडो रिडक्टेस रिएक्शन चलती रहती है, मतलब ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में भी क्या होता है उसके हेड पार्ट में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन चलती रहती है, उसी वजह से जो फूड है प्रोडक्ट है वो बनता है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे क्या होगा रेडिकल आयन जनरेट हो जाएंगे, जब ये रेडिकल आयन जनरेट होंगे नॉर्मली क्या है सिंगल रेडिकल आयन जनरेट होता है दूसरी टाइप की रिएक्शन में, इसमें क्या होगा रेडिकल आयन बन जाएंगे बोथ में, मतलब लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल का भी और सबस्ट्रेट में भी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोथ से होता है, मतलब अगर कोई फोटोन जो है ना जिसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया कायदे से वो सबस्ट्रेट को हमारा इलेक्ट्रॉन दे और सबस्ट्रेट आगे रिएक्शंस करे, बट यहाँ पे क्या है हो रहा है जो मॉलिक्यूल जिसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया था उसको भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये क्या होगी हमारी टाइप वन रिएक्शंस। जो टाइप वन रिएक्शंस है ये काफ़ी इतनी कॉमन नहीं है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वो कौन से होते हैं टाइप टू रिएक्शंस, जैसे कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है टाइप टू रिएक्शंस के अंडर काम करते हैं। इनमें क्या एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है फोटोन ने जब दिया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जो टाइप टू रिएक्शंस है उसमें क्या है सेंसिटाइजर, इट मींस लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है सबस्ट्रेट में और सबस्ट्रेट से क्या होता है हमारे हमें अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट मिलता है, इट मींस कि सबस्ट्रेट रिड्यूस हो जाता है पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करके फिर वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर के, इट मींस कि अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या है जो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो हमारी कौन सी टाइप की रिएक्शन दिखाता है टाइप टू रिएक्शन। टाइप टू रिएक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, इट मीन्स सेंसिटाइजर ही क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली कि बेसिक फोटोसेंसिटाइजेशन का एंडोजिनस एक्सोजिनस इनके टाइप वन टाइप टू, और उसमें भी अब हमने बड़ा स्पेसिफिक कर लिया कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में क्या होता है टाइप टू रिएक्शंस। और कई बार ये जो होता है ना ऑक्सीजन से रिलेटेड कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं या ऑक्सीजन जो एक्सेप्टर होता है उसमें भी क्या होता है टाइप टू की रिएक्शंस भी होती है नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के रिगार्डिंग। क्लोरोफिल का हमें पता है जो हेड पार्ट होता है ना उसमें क्या होता है टेट्रापायरोल होता है, पोरफायरन रिंग होती है, मैग्नीशियम सेंटर में होता है उसके, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल हमें पता है पिगमेंट है, ये होता है ए बी टाइप होता है, ये पिगमेंट्स होती है। तो यहाँ पे अब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम जो बेसिक प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। अल्टीमेटली देखिए नॉर्मली क्या है कि अगर किसी भी कोई सब्सटेंस है जैसे ये पेन है इसको अगर मैंने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की तो ये स्टेबल है एज सच, मतलब ये सीधा ही रखा हुआ है स्टेबल है, पर जैसे ही अगर हम इसको एनर्जी देंगे किसी भी फॉर्म में लाइक आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म ऑफ लाइट, अगर मैं इसको ऐसे भी एनर्जी दूंगी तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा हिलेगा, पोजीशन डिस्प्लेस हो रही है। सिमिलरली क्या होता है जब यहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है उसको क्या है जब फोटोन मिलता है लाइट मिलता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं। ओके, क्योंकि उनको क्या मिला है लाइट की फॉर्म में एनर्जी मिली है। तो यहाँ पे क्या है ये फोटोन ऑफ लाइट है और ये एस्ट्रोनॉट स्टेट क्या है हमारी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, कौन सी है ग्राउंड स्टेट एस्ट्रोनॉट। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एस्ट्रोनॉट S1 S2 हमारी सिंगलेट स्टेट है, तो यहाँ पे वो सिंगलेट स्टेट से क्या होगा है ना मतलब सॉरी ग्राउंड स्टेट से क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, कब जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, यहाँ पे क्या है ये हमारा देखिए हमें दिख रहा है सिंगलेट स्टेट में चला गया,
अभी यहाँ तो यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी है, क्या होगा, यहाँ तो ये जब इसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो उसके तुरंत बाद क्या होगा, फ्लोरोसेंस होने लग जाएगा। फ्लोरोसेंस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है उसने उसको एमिट किया जाता है, इट मीन्स एमिशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। और ये किस फॉर्म में होता है, लाइट की फॉर्म में ही होता है। हमने फोटोन से दी लाइट, ओके, हमने फोटोन से एनर्जी दी, वहाँ से वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। बट ये क्या होता है, जब ये ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है सिंगलेट स्टेट में, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पिन ना सेम होती है इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, और ये काफ़ी जल्दी जल्दी होता है प्रोसेस। इट मींस कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में नहीं नैनो सेकेंड्स में ये प्रोसेस हो जाता है। इसकी वजह से इसका जो रिएक्शन टाइम होता है काफ़ी कम होता है। बिकॉज क्यों, यहाँ पे इसने एक्साइटेड हुआ तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है इस स्टेट में, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है सेम होती है, तुरंत क्या होता है, फ्लोरोसेंस के थ्रू यहाँ पे एनर्जी एमिट हो जाती है। जो एक्साइटेड एनर्जी थी वो लाइट की फॉर्म में क्या होती है, एमिट हो जाती है। और ये इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, या ये जो पूरा जो है ना इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये रिएक्शन शो कर सके। ओके, एक तो ये प्रोसेस हो जाता है जब हमने इसको एनर्जी एब्जॉर्ब की। बट कई बार हमें पता है कि इसको अपना काम तो करना है, लाइक तो क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी, ये देखिए ये जो रेड एरो है ये क्या शो कर रहा है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है, सिंगलेट से वो ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इनकी एनर्जी लेवल का क्या है, डिफरेंस है। और ये एनर्जी कैसे डिफरेंस आता है, पर ये जो सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसमें एक चीज़ होती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो फ्लिप हो जाती है। नॉर्मली यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन थी उसकी सेम ओरिएंटेशन थी, तभी इसी वजह से क्या होता है, ये अनस्टेबल होते हैं। जब स्पिन सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाते हैं और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है, इसको अब स्टेबिलिटी भी लानी है बिकॉज अपना काम तो करना है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इंटरक्रॉसिंग होगी, इंटरक्रॉसिंग में इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाएगी। इट मीन्स पहले सेम डायरेक्शन में थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे और वो सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में आया तो इस पूरे प्रोसेस को होने में, और एनर्जी कम हो गई है तो इसको टाइम मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, और वो क्या है, अपनी रिएक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है, मतलब जो हमारा सब्सटेंस होगा जिसने ये, जिस पे ये रिएक्शन हो रही है, वो क्या आएगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी उसको रिएक्शन थी, जिस भी सब्सट्रेट से रिएक्ट करना था, वो एक्शन हो जाएगा और ऑक्सीडाइज्ड जो हमारा सब्सट्रेट है हमें मिल जाएगा, मतलब हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सब्सट्रेट था उसको रिएक्शन करने का टाइम मिल जाएगा। तो बट यहाँ पे भी हमें पता है, कोई भी चीज़ है ये भी स्टिल है तो एक्साइटेड स्टेट, चाहे ट्रिपलेट है, तो यहाँ से क्या होगा, वो अगेन एनर्जी को एमिट करेगा। और किस सेंस में एमिट करेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिसेंस। देखिए फॉस्फोरिसेंस और फ्लोरोसेंस में एक सिमिलैरिटी ये है, यहाँ पे भी एमिशन ऑफ एनर्जी होता है ऑफ एक्साइटेशन, मतलब जो एक्साइटेशन के बाद एनर्जी थी उसको एमिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बट फ्लोरोसेंस फॉस्फोरिसेंस में क्या होता है, यहाँ पे जो ये है ना एमिशन है एनर्जी का, वो क्या होता है, डिले होता है। देखो फ्लोरोसेंस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एक्साइटेड स्टेट में गया, अनस्टेबल था, तुरंत क्या हुआ, एनर्जी को एमिट कर दिया। ओके, इसके पास इतना टाइम नहीं था कि ये अपना फंक्शन कर सके, और ये इसी वजह से क्या होता है, बहुत ही कम, लाइक नैनो सेकेंड्स का होता है, और ये क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ। बट जब फॉस्फोरिसेंस होता है, यहाँ पे क्या है, एनर्जी को टाइम मिला, लाइक वो बहुत हाई एनर्जी से थोड़ी सी लो लेवल पे आया। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला, और इसकी एनर्जी में क्या है, डिफरेंस है, तो इट मीन्स थोड़ा सा एनर्जी कम हुई। हमें पता है किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उतनी ही कम स्टेबिलिटी होती है। बिकॉज अगर कोई पर्सन है बहुत एक्टिव है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो मैक्सिमम वो 10 मिनट्स तक के लिए डांस कर सकता है, पर अगर कोई पर्सन ठीक है उसमें लाइक एनर्जी ठीक है, वो अपनी एनर्जी को सही अमाउंट में यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो वो हो सकता है कि 15 टू 20 मिनट्स तक डांस कर ले। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे क्या, एनर्जी का लेवल थोड़ा सा क्या हो गया, लो हो गया, इस वजह से यहाँ पे इसको रिएक्शन टाइम इतना मिल गया कि ये अपनी एक्टिविटी कर सके। यहाँ पे भी क्या होता है, 10^-2 जो इसकी लाइफ टाइम है, मेटास्टेबल काइंड ऑफ होता है। ठीक है, जो ट्रिपलेट स्टेट होती है इसीलिए मेटास्टेबल होती है, और ये वाली जो सिंगलेट स्टेट होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल है, एनर्जी हाई है, इसी वजह से तुरंत फ्लोरोसेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, मेटास्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरिसेंस होगा, डिले ऑफ एनर्जी का एमिशन होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ी स्टेबल स्टेट में हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन है वो हो पाएगी, और जो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करना है CO2 तक, तो वो मूव कर जाएगा, और प्रोडक्ट है जो रॉ मटेरियल था हमारा, वाटर, लाइट और एंड कार्बन, उससे हमारा क्या है, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो
सिंथेसिस हो पाएगा, जिसको जो प्लांट है वो अल्टीमेटली एज अ फूड यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये लाइक मैंने जो आपसे आज डिस्कस किया, ये बहुत ही बेसिक है। जो बेसिक रिएक्शन होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है हमारे, जो पिगमेंट्स हैं, इनमें बेसिक रिएक्शन होती है। जब इन पे लाइट गिरती है, हमें पता है सन रेज हैं, जो सन रेज गिर रही है उनमें लाइट है, एनर्जी है, और जो है ना प्लांट है उनके जो लीफ है उनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है ऑब्वियसली, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं इन पे जो फोटोन्स हैं वो रेड एंड ब्लू लाइट वाले गिरते हैं, ठीक है। कौन से वाले होते हैं फोटोन्स? रेड एंड ब्लू लाइट वाले। पर जब ये एमिट करते हैं तो ग्रीन कलर हमें इसी वजह से दिखता है, उसकी वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, हमें मेन चीज़ें जो याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस है क्या होता है, फोटोसेंसिटाइजेशन के अंडर होता है, और जो क्लोरोफिल और पोरफायरिन मॉलिक्यूल है ये हमारे क्या होते हैं, एंडोजीनस फोटोसेंसिटाइजर होते हैं, जो कि लिविंग मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। बिलीरुबिन भी है इसमें से एक। एंड जो ये टाइप, ये रिएक्शंस हैं टाइप वन एंड टाइप टू। तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो हमारी किस टाइप की रिएक्शन दिखाता है? टाइप टू रिएक्शन। इसमें अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट। और इसमें भी क्या होता है, जो सिंगलेट स्टेट होती है वो क्या होती है हमारी? अनस्टेबल। और ये विद इन मतलब कुछ नैनो सेकेंड्स की होती है। पर जो हमारी ये ट्रिपलेट स्टेट होती है वो क्या होती है? मेटास्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लेवल थोड़ा कम है और अब मेटास्टेबल है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी डिफरेंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, ओके। और ये जो हमारा सिंगलेट है वहाँ पे क्या होता है? फ्लोरोसेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ट्रिपलेट में हमारा क्या होता है? फॉस्फोरिसेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ये जो सिंगलेट है इसके बारे में मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया, दैट इज अनस्टेबल, हाफ लाइफ 10^-9 नैनो सेकेंड। एंड जो ट्रिपलेट है उसका क्या है? मेटास्टेबल, हाफ लाइफ 10^-2 सेकेंड, ओके। ये हमारा क्या था? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक चीज़ थी, मतलब कोई रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए। अब इसके बाद जो हम मेरे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट, और उसमें मैं अभी इस बेसिक चीज़ को यूज़ करके आपको आगे का बताऊंगी कि प्लांट्स कैसे साइकिल्स के थ्रू, डिफरेंट साइकिल्स के थ्रू अपना फूड है सिंथेसाइज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था फोटोसेंसिटाइजेशन का, ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सके। थैंक यू।